डरावनी रातें चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जिसे देखकर डरना मत। भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करने वाले लोग कभी इस बात पर विश्वास नहीं करते कि इंसानी दुनिया में भी कुछ ऐसी पारलौकिक शक्तियां होती हैं जिन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए यह सब सिर्फ मनोरंजन के तौर पर ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे में जाहिर है वह व्यक्ति सच का पता लगाने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम तो जरूर करेगा, और हो सकता है उन इंतजामों में उसे वो भी दिख जाए जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकता था। ऐसा ही कुछ हुआ ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया शहर में रहने वाले एक पुरुष के साथ। इस पुरुष के साथ हर समय अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। वह जब भी घर में होता था उसे यही लगता था कि उसके आसपास आत्माओं का पहरा है। उसे घर की रसोई से हर समय अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, जिसके चलते उसे यह यकीन सा हो गया था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो हर समय उसकी नजर से बच जाता है। अपनी इस परेशानी का हल खोजने के लिए उसने एक ऐसी तरकीब निकाली जिसकी सहायता से वह सोच रहा था कि उसकी इस दुविधा का अंत हो जाएगा। लेकिन किससे पता था कि यह उसकी परेशानियों की एक नई शुरुआत होगी। उसने अपने किचन में स्पाई कैमरा फिट करवा दिया और इस बारे में अपने 16 वर्षीय बेटे को भी कुछ नहीं बताया। इस घर में वह आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। उसने कैमरा को किचन में लगवा दिया और 2 दिन बाद उसकी फुटेज देखने की योजना बनाई। उस आदमी को लगा था कि इस फुटेज में वह आत्माएं या घटनाएं कैद हो चुकी होंगी जो उसे खुली आंखों से नजर नहीं आती। हालांकि उसका यह उद्देश्य पूरा तो हुआ। उसे अनदेखी घटनाएं तो फुटेज में दिखी, लेकिन वह अनदेखा इतना हैरान करने वाला होगा शायद उस व्यक्ति ने कभी सोचा ही नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि उस फुटेज में उसने अपने 16 वर्षीय बेटे को अपनी ही 28 वर्षीय गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करते हुए देखा। उस शख्स की गर्लफ्रेंड पिछले 11 सालों से उसके साथ संबंध में थी। ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गर्लफ्रेंड को 5 बार नाबालिग के साथ सेक्स करने का दोषी ठहराया और उस पर कड़ी कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया। संबंधित महिला का तो यही कहना है कि उन्होंने शारीरिक संबंध नहीं बनाए, लेकिन 16 वर्षीय बेटा तो साफ कह रहा है कि उन दोनों ने कई बार पिता की गैर मौजूदगी में सेक्स किया है। इस बात से खफा उस शख्स ने भी पुलिस से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। यह घटना एक अद्भुत परिप्रेक्ष्य में उभरती है जिसमें परिवार और संबंधों के दायरे को छूने वाली घटना समेत कई चुनौतियों का सामना किया गया है। इस घटना में एक पिता की गर्लफ्रेंड को नाबालिग के साथ संबंध बनाने के मामले में अपराधी ठहराया गया है, जो गंभीरता से लिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गर्लफ्रेंड को सजा सुनाई है, जो एक बड़ी चेतावनी है। इस मामले में बेटे के द्वारा दी गई गवाही का महत्वपूर्ण अहमियत है, जिसमें वह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि उसके पिता और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच अयोग्य संबंध है। यह घटना न केवल उन्हें न्याय दिलाने की मांग करती है, बल्कि समाज में ऐसे अपराधों के खिलाफ एक सकारात्मक संदेश भी देती है। पिता की भावनाओं और बेटे के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के साथ यह मामला गहरे संवाद की आवश्यकता को भी उजागर करता है। इसे न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हल करना जरूरी है, साथ ही परिवार और समाज को इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस मामले में दोनों पक्षों की दावेदारी को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहां पिता की गर्लफ्रेंड के वकीलों ने उनकी बेनामी की कोशिश की है, जबकि पिता और उसके बेटे ने न्याय के लिए लड़ाई जारी रखी है। इस मामले में कर्तव्यों का पालन और न्याय की प्राप्ति हेतु समय की गहराई से जांच की जानी चाहिए। इस घटना के माध्यम से समाज को यह सोचने का अवसर मिलता है कि कैसे अनुशासन, सम्मान और सहानुभूति के मानकों को जीवन में उतारना चाहिए। इससे हमें सावधानी और जिम्मेदारी के प्रति और भी गहरा समझ मिलता है। अंत में इस मामले से हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि समाज में ऐसे घटनाओं को उजागर करना और उन्हें न्याय मिलना चाहिए, ताकि हम सभी एक सुरक्षित, समृद्ध और संवेदनशील समाज की दिशा में अग्रसर हो सकें। जिस तरह की घटना वास्तविकता में हुई है वह बहुत ही चिंताजनक है। यह समाज में विशेषज्ञता और जागरूकता की आवश्यकता को दर्शाती है। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बच्चों को सेक्सुअल हिंसा से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा और शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही परिवार और समाज में संवेदनशीलता को बढ़ावा देना जरूरी है, ताकि लोग खुलकर अपनी बातें कह सकें और ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस समाज में सामाजिक न्याय और समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे घटनाओं के खिलाफ मिलकर उठे और उन्हें रोकने के लिए कठोर कदम उठाएं। इससे हम एक बेहतर और सुरक्षित समाज की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे।